ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको है ना, इससे कुछ पार्ट है ना बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को टच करते हैं और कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर्स है, आगे के बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर पर डिपेंड होंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे समझेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार ये कौन से चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है। इसका और नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम बात करेंगे। मतलब क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये समझ लेते हैं, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि आगे जाके चैप्टर में पढ़ना क्या है। बेटा इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं कि एटम के अंदर की जानकारी, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम लंबा दिखता है कि छोटा दिखता है, गोल दिखता है, स्क्वायर दिखता है, कैसे दिखता है एटम, और उसके अंदर का अरेंजमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन वगैरह का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो एटम का स्ट्रक्चर वही होता है कि स्ट्रक्चर बताना है कि एटम का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है कि इतने सारे स्ट्रक्चर तो नहीं होंगे, स्ट्रक्चर तो एक ही है, बट यहाँ पर आपको पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम की अलग अलग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। जैसे कि अगर मान ली किसी को कुछ नहीं पता है, तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा वही सही। अब COVID-19 के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जो एक बंदा बोल दिया वही सही, लेकिन जैसे जैसे कुछ पता चलेगा, अच्छा इसमें ऐसे हो रहे हैं, उसमें ऐसे हो रहे हैं, तो उस थ्योरीज को, उस सीन को हम लोग नोट कर रहे, याद कर रहे। उसी तरह एटम भी है बेटा। जब कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, आपको पता है डाल्टन। डाल्टन सब कुछ बता दिया, कुछ सही थे कुछ गलत थे, तो कुछ गलत थे तो बाद में फिर रिसर्च हुए। तो वही आज पूरा इस चैप्टर में आप जान लेंगे कि एटम एक्चुअली होता क्या है, ये पूरा आपको कंप्लीट जानकारी देगा। इसमें पढ़ने के बाद बेटा एटम आपसे अच्छा फिर कोई नहीं जान पाएगा, एटम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो सबसे पहले बेटा जो साइंटिस्ट थे ना, डाल्टन थे, जो एटम के बारे में जानकारी दिए थे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। द वर्ड इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या है, उसने क्या दिया, हम वही बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या बेटा, देखो जैसे कि सपोज दैट कोई सब्सटेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मोबाइल है मेरा, ठीक है, ये मोबाइल है। इस मोबाइल को अगर हम तोड़ दें, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, एक सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा ना, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जिसको हम फर्दर डिसोसिएट नहीं करते, तोड़ते 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 एक छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे, सब तोड़ ही नहीं सकता, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बेटा क्या होगा, हमारा एटम होगा। बात समझ में आ रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। अब मैटर बोल दिया है, मतलब ये चाहे तो सॉलिड होगा, चाहे तो लिक्विड होगा, चाहे तो गैस होगा, ठीक है। सबका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। और किसी भी रिएक्शन में वही एटम रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में वही एटम का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी हमने क्या जाना कि कोई भी मैटर होगा सो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन, और वही आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसने कहा था डाल्टन ने कि एटम जो होता है उसको आप बना नहीं सकते हो, नॉट बी क्रिएटेड, और पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, ठीक है। खत्म नहीं कर सकते हो मतलब आप उसको, ऐसा नहीं कि एटम कोई है आपने उसको जला दिया तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। सपोज दैट बेटा अगर कोई कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन का एटम है, ठीक है, अगर आपने इसको जला दिया, तो जलाओगे तो बेटा क्या, एयर के प्रेजेंस में जलाओगे ना, तो आपने एयर के प्रेजेंस में जला भी दिया तो क्या बन जाएगा, नया चीज बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम, उसको आप जला नहीं सकते, किसी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, क्या होगा, एक मैं वर्ड ऐड कर रहा हूँ, एटम कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अनदर वे। मतलब एटम अपने आप को दूसरे तरीके में ट्रांसफर कर लेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक्स है तो कुछ अलग चीज बन जाएगा, X2 बन जाएगा, X5 बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, बट आप कभी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आ रहा है। However, modern research have conclusively proved that the atom is no longer an indivisible particle. मतलब अब ये प्रूव हो चुका है कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू डाल्टन।
नेक्स्ट क्या है बेटा, हम लोग मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑफ, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने जो बात की थी वो जो बेस्ड है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। डाल्टन ने हमें बता दिया कि एटम क्या होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जो सबसे छोटा होता है किसी सब्सटेंस का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बहुत सही बताया, ये डिवाइड नहीं हो सकता, ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन जो एटम का मॉडर्न स्ट्रक्चर है ना वो हम किस में देखेंगे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें है वो है कैथोड रे, ठीक है। कैथोड रे के बारे में जानेंगे कि ये जो रे है बेटा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, ठीक है, एक है क्रुक्स और दूसरा है जेजे थॉमसन, दोनों ने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में इसने बताया, यूजिंग अ सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास, यूजिंग अ सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विथ टू मेटलिक इलेक्ट्रोड। अब बेटा यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझेंगे क्या मैं बता रहा हूँ अभी के 5 मिनट। कैथोड रे की जो डिस्कवर की थी क्रुक्स और जेजे थॉमसन ने किया था, एक सिलेंड्रिकल ग्लास में, सिलेंडर टाइप का एक ग्लास होगा जिसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं अभी आपको बताता हूं मैं, आपको समझना है। द ट्यूब हैज अ इन द ट्यूब हैज अ साइड ट्यूब विथ अ स्टॉप कॉक, एक साइड में कॉक रहेगा, मैं आपको डायग्राम जस्ट बता रहे हैं, जिसको एक डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। उसमें 10,000 वोल्ट बेटा, 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होता, हाई पोटेंशियल, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल हम लोग 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। सो ब्लू रे वेयर इमर्ज फ्रॉम द कैथोड एंड दिस रे इज नोन एज कैथोड रे। अभी आप समझते हैं, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझेंगे। देखिए बेटा, ये आपका एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मेरे कर्सर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल आपका क्या है, ट्यूब। अब इसके अंदर मैंने गैस डाल दिया, कोई भी गैस जो आपका मन करे, आपको हाइड्रोजन गैस डालना है आप हाइड्रोजन गैस डालो। एक्चुअली 10th तक में अगर ये डायग्राम को भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं 10th तक में बोल हाइड्रोजन ही लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपका जो मन करे वो गैस डालो। आप नाइट्रोजन डालना चाहते हैं नाइट्रोजन गैस डालो, हाइड्रोजन डालना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस डालो, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस डाल दिया। अब बेटा इसमें जो लिखा हुआ है कि गैस एट लो प्रेशर, तो गैस का लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता लो प्रेशर मतलब क्या, क्या प्रेशर अपने आप थोड़ी ना कम होगा। बेटा देखो क्या है, यहाँ पर आप देखो एक कॉर्क लगा हुआ है, एक मतलब कैप टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम हटा करके पूरे गैस को बाहर निकाल देंगे, पूरे गैस को इससे ट्यूब से बाहर निकाल देंगे, 2-4 मॉलिक्यूल छोड़ देंगे, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल छोड़ दिए, सारे गैस को हम बाहर निकाल दिए। तो अब गैस के मॉलिक्यूल कम बचे ना तो उसी को बोलते हैं लो प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब ज्यादा प्रेशर, कम है मतलब कम प्रेशर। तो लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल कम होना, तो ये आप याद रखना, सब बता देते लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का मतलब हुआ क्या, अगर गैस के मॉलिक्यूल कम है तो कम प्रेशर होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल भर देंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, लो प्रेशर कर दिया। अब देखो बेटा, ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इस दोनों मेटल को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पास पता है बेटा 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक। एक तो जब पॉजिटिव वाला पार्ट मेटल से कनेक्ट होगा तो वो मेटल हो जाएगा एनोड, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसको एनोड बोलेंगे। तो अब एक आपको पता चला कि एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो मेटल है नेगेटिव पार्ट वाला उसको क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मेन इसका एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर गैस है H2 गैस, ठीक। अब आपको पता है कि गैस कभी रुके हुए नहीं रहते कि नीचे जाके बैठ गया आराम से बैठा हुआ सॉलिड के जैसा, नहीं, गैस का तो काम इधर से इधर घूमते रहना, इधर से इधर मूव करते रहता है, ठीक है, मूव करते रहता है। तो अगर मान ले गैस के पार्टिकल यहां से, मेरा कर्सर देखेंगे, यहां से जाते 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 यहां टकरा गया, तो हुआ क्या, अब आपको मैं चैटिंग में बता रहा हूं, ठीक है, हुआ क्या, जब मान ले H2 गैस, मैंने बोला कोई भी गैस, कोई भी मतलब कोई भी गैस, अगर मैंने H2 गैस लिया
H2 गैस अगर टकराया प्लेट में तो H2 गैस पहले क्या हुआ, अपने एटम में टूट गया, ऐसे करके टूट गया ठीक। और देखो कैसे टूटा, इसको अपने आप टूट जाएगा क्या? नहीं, उसको एनर्जी लगेगा तोड़ने के लिए। और ये एनर्जी दिया किसने, कोई मुझे अभी अब समझिएगा कि इसने क्या किया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम में, साथ ही साथ उसने इतनी एनर्जी थी ना कि अभी वो रुका नहीं, हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। तो हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन निकला किसी भी एटम से बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये रिएक्शन हो गया अंदर ही अंदर। पहले हुआ H2 से H और H, और फिर H से H प्लस हो गया। प्लस क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है, तो ये अंदर ही अंदर रिएक्शन हुआ ठीक है। ओके, अब बेटा ये रिएक्शन हुआ तो अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा रिएक्शन, ये मुझे रिएक्शंस दिख नहीं रहा। जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर आप तो बोले इनविजिबल होता है एटम, डेफिनेटली अभी भी बोल रहा हूँ इनविजिबल है, ये रिएक्शंस हुआ ही होगा अंदर, ये हमें दिखा नहीं। हमें कब पता चलेगा ये ऐसा हुआ, हम उसका इफेक्ट देखेंगे। हमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, हमको इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा देखते हैं। देखो अब देखो, अगर अंदर ही अंदर, अगर वर्ड इज अगर, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन एक आया होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए, ओके बेटा समझते हैं ठीक है। वो बेटा आज होगा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के पास जाएगा, लेकिन उसमें जाने के समय क्या हुआ है, इस प्लेट में छोटे छोटे पोर्स जेजे थॉम्सन ने बना दिया ताकि इलेक्ट्रॉन अब आया स्पीड में और इस छोटे पोर्ट से पास करके इस सिलेंडर पे चला टकरा गया ठीक। अब देखो बेटा हुआ क्या, आपको याद है पहले के जमाने के जो टीवी हुआ करते थे उसमें क्या था, पहले के जमाने में टीवी जब बंद होता था ना बेटा, थोड़े देर के लिए उसमें ब्लिंक रहता था, जैसे बंद हुआ जैसे टीवी लाइट कटी या अपने टीवी ऑफ किया तो 2 सेकंड के लिए वो स्क्रीन चमकता रहता था, उसके बाद बंद हो जाता था। लेकिन अब एलईडी टीवी में ऐसा नहीं होता है, आपने लाइट ऑफ किया फटाक सा वो बंद हो जाएगा। तो होता क्या है बेटा कि इस ऐसा होता क्यों था, यहां पर इस सिलेंडर में ZnS का कोटिंग कर दिया था, लेप लगा दिया जाता था। तो लेप जब लगाने से क्या हुआ, जैसे भी पार्टिकल आया ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कोई भी पार्टिकल, ZnS आप है ना, जैसे मेरा ये मोबाइल है, इस मोबाइल में मैंने यहाँ पर ZnS लगा दिया, तो हम इसको जोर से मारेंगे ना, यहाँ खट सा करेंगे ना, तो इस पर ब्राइट करेगा, जहां जहां मारूंगा वहां वहां चमकेगा, ब्राइट करेगा। तो उसने क्या किया, पूरा ZnS की कोटिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन आया पीछे से टकराया ब्राइट किया, इलेक्ट्रॉन आया टकराया ब्राइट किया, तो उससे पता चला अच्छा अंदर ही अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया और ब्राइट किया, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, कैथोड रे। आया बेटा समझ में एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है पहले अच्छे से एकदम, तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जितना मैंने बोला ना सारे पॉइंट्स में अभी आपको लिखाने वाला हूँ। क्या है कि अगर हम हाई प्रेशर रखते तो बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते, बहुत सारे रिएक्शन होते एक साथ, ज्यादा फ्लैश होते, तो हमारा जजमेंट नहीं होता, हमें तो सिर्फ जजमेंट करना था जो हमारा एक के साथ भी काम हो जाता, तो हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा फ्लैश होता तो उतना जजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी स्पीड जल्दी नहीं मेजर कर पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। देखो आफ्टर द डायग्राम हम देखेंगे कैथोड रे तो आ गया हमारे पास, अब कैथोड रे आया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, आखिर कौन सी प्रॉपर्टीज है कैथोड रे का, हम वो जानेंगे। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं बेटा। नेक्स्ट वी डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक पॉइंट समझेंगे ठीक है। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली रे है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, आप टॉर्च भी चालू करोगे तो उसके रेस तो स्ट्रेट लाइन ही जाएंगे, कभी देखे हो टॉर्च के लाइट को कि ऐसे ऐसे करके जिगजैग जा रहा, नहीं, तो कैथोड रे क्या होगा, रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है,
cathode ray produce mechanical effect as they can rotate wheel placed in their path. अब ये क्या पॉइंट है ये समझने लायक है. देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है. कैथोड रे एक रे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक रे है, वो मैकेनिकल काम कर रहा है. मैकेनिकल मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिसमें वर्क हो रहे हैं, जैसे ये कोई ना व्हील को रोटेट कर सकता है. तो कैसे रोटेट कर सकता है हम आपको अभी बताते हैं आपको डायग्राम, ठीक है. तो ये हमको भी याद रखना है कि रे मैकेनिकल काम कर रहा है, मतलब कुछ रोटेशन का काम ये कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट बेटा कैथोड रे कैन कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. डेफिनेटली कैथोड रे नेगेटिव था क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया था, ठीक है. कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. गुड. नेक्स्ट बेटा कैथोड रे ट्रेवल विद हाई स्पीड. डेफिनेटली उसकी हाई स्पीड होगी अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट. अब देखो लाइट के स्पीड में उसका लाइट के रेंज में उसका स्पीड है, तो आप खुद बताओ इसको हम कहां से देख पाएंगे, कहां से पकड़ पाएंगे. इसका तो हम इफेक्ट जानेंगे, तो हमने इफेक्ट देखा था. ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, ठीक है. तो प्रॉपर्टीज पहले देखिए बेटा, इसको प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करिए. था ना कि वो H प्लस का क्या होगा. तो देखो बेटा H प्लस एक पॉजिटिव चार्ज रे है ना, ठीक है. तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि पहले एनोड रे क्या होता है, उसी में हमें पढ़ना क्या है डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, ठीक है. प्रोटोन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. आप एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन एंड इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अब प्रोटोन क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल एनोड. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज अ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ एनोड रेज. गोल्डस्टीन ने क्या किया कि आपके पास जो एच प्लस आयन था उसका उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको उसने क्या नाम दिया एनोड रे, ठीक है. गोल्डस्टीन ने भी वही परफॉर्म किया, यूज परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. वही एक्सपेरिमेंट है रिपीटेड थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनोड रे. इसने क्या बताया एनोड रे. These ray also term as positive or canal ray. इसको क्या बोलते हैं positive और canal ray. आपको ये याद रखना कि anode ray positive. क्यों? Proton का काम किया. Cathode ray negative. क्यों? वहाँ से electron का निकलने का काम हुआ. तब ये जो H plus किसी बच्चे ने पूछा कि H plus से क्या करेंगे? तो H plus बेटा क्या बन गया आपका anode ray. Very good. तो अब बेटा ये anode ray के बारे में आपको next experiment of anode ray. ठीक है. देखिए अब समझिएगा, आपको दोनों समझ में आ जाएगा. मैंने यहाँ पर दोनों डाल दिया है. एक आपका एनोड ट्यूब था, एक कैथोड ट्यूब था. अब देखो बेटा जो छोटे छोटे पोर्स थे ना यही मैं बता रहा था, ठीक है. ओके यहाँ पर इसने कोई भी होगा तो यहाँ रेड ग्लो किया तो आपको कलर दिखेगा. तभी मैंने बोला आपको पता चलेगा ये रेड ग्लो किया. यहाँ कोटिंग भी बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको. देखो ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है. यहाँ पर कोई भी एक गैस डाला होगा, इसने गैस का नाम मेंशन नहीं किया, उससे आपको जो पॉजिटिव यहाँ पर एरिया हो गया नेगेटिव इस तरफ जा रहा है. तो उसने देखो नेगेटिव इस तरफ किया है, मतलब हमको एनोड रे के बारे में बात कर रहे हैं. तो एनोड इज ए पॉजिटिव रे. ये जो पॉजिटिव रे है बेटा, ये पॉजिटिव रे इधर गया, होल से पास किया और यहाँ जाके स्ट्राइक किया और रेड ग्लो किया. ये पूरा सेटअप है, आप इसको सेट करिए दिमाग में. दो मेटल रॉड है, पोर कैसे था मैंने आपको जो बताया था वो पोर यहाँ पर दिख रहा है आपको, कोटिंग दिख रहा है. पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपको पूरा सेटअप किया हुआ है बेटा. बेटा जो रदरफोर्ड है उसका एक्सपेरिमेंट बाद में आया बेटा. बेटा और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं जस्ट राइट दिस रिएक्शन. After first line, बेटा हम लोग second reactions लिखेंगे कि hydrogen atom से H plus plus one electron. बेटा ये जो plus है ना H plus वो H के power में होगा, ठीक है. मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ये चीज. reaction second वाला आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है, कि ये H plus plus one electron और H की पावर में प्लस है, मतलब वो शो कर रहा है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिया था H2 से H plus H एटम डिसोसिएट हुआ,
फिर एच एटम से एच प्लस और एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट एच प्लस इज अ एनोड रे एंड वन इलेक्ट्रॉन इज अ कैथोड रे। नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ ओ टू वट इज एनोड रे। फर्स्ट आई रिपीट, फॉर द ओ टू द ओ प्लस इज एनोड रे एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रे। देन आई रिपीट, फॉर एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट द कैथोड रे इज ऑलवेज फिक्स बट एनोड रे नॉट, बिकॉज एनोड रे डिपेंड्स ऑन द एटम, इट इज डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम, पर्टिकुलर नेचर ऑफ एटम। एच प्लस इज अ एनोड रे, ओ प्लस इज अ एनोड रे, बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड रे। कैथोड रे ऑफ ऑल द गैस आर सेम। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एनोड रे ऑफ द डिफरेंट गैस आर डिफरेंट। एनोड रे फॉर डिफरेंट गैस आर डिफरेंट। एक लाइन में मैं आपको क्लियर करता हूं कि अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अलग हैं तो उसमें प्रोटॉन भी अलग होंगे, न्यूट्रॉन भी अलग, सब अलग है। तो जब एटम में सब कुछ अलग है तो सेम कैसे हो सकता है? तो फिर एनोड भी सेम नहीं होगा। तो एनोड रे आर डिफरेंट बिकॉज देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट तो बहुत ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ही मेन चीज होता है। तो आप इतना भी जान जाएंगे ना कि एट दिस स्टेज कि सिंस बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो कॉमा करके लिखेंगे बेटा, सिंस बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट राइट, द चार्ज बाय मास दैट इज ई बाय एम रेशियो ऑफ कैथोड रे आर सेम। ऑफ कैथोड रे आर सेम बट चार्ज बाय मास रेशियो ई बाय एम ऑफ एनोड रे आर डिफरेंट। जिस तरह कैथोड रे का प्रॉपर्टीज था उसी तरह एनोड रे के भी प्रॉपर्टीज होंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे आर मटेरियल पार्टिकल, वही पार्टिकल, हर पार्टिकल का अलग अलग है ना, उसी को बोला गया मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल मतलब हर पार्टिकल का अलग अलग एनोड रे। एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रे मे गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर एनोड रे जा रहा है और वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक रख दिए, ठीक है, मैग्नेट रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरे वीडियोस में समझिएगा, देख करके आपको बता रहा हूँ। देखो, सपोज दैट एक एनोड रे इधर से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक। तो ये अब पॉजिटिव चार्ज रहे ना, तो ये है ना नॉर्थ पोल या साउथ पोल में अपना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, पाथ ऐसे ऐसे जाकर के या तो ऊपर हो जाएगा या तो ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इट कैन डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द ई बाई एम रेशियो ऑफ दीज रे इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो बेटा, समझते अच्छे से। अब जैसे ये क्वेश्चंस है कि अगर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि ई बाई एम रेशियो कैथोड रे का ज्यादा होगा या एनोड रे का ज्यादा होगा, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बेटा यही था, ई बाई एम रेशियो ज्यादा किसका होगा आपका, कैथोड का होगा, एनोड का कम होगा, क्योंकि एनोड का मास ऑफ द एटम ज्यादा होता है। दिस लाइन आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि कैथोड रे के जैसा नहीं है ये, हर की ई बाई एम वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी, डेट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। नेक्स्ट राइट बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन के डिस्कवरी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था कैडविक, देखो यहाँ पर नाम सी एच, चैडविक मत बोल देना, कैडविक है, ठीक है। लेटर नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। मतलब एटम में एक और जो पार्टिकल थे न्यूट्रल पार्टिकल,
उसकी जरूरत बाद में समझ में आई। दिस पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय कैडविक 1932 में। उसने क्या किया बेटा, बेरिलियम, बेरिलियम एक एटम है जिसका आपने सुना होगा नाम, बेरिलियम को बी लिखते हैं। बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल बेटा हीलियम है ना, देखो यहाँ एच ही लिखा हुआ ना, इस अब आपको एक नया चीज पता चला, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम के साथ उसको स्ट्राइक किया, मतलब रिएक्ट कराया एक तरह से, तो एक पार्टिकल बना जिसको हम बोलते हैं कार्बन। और एक पार्टिकल ऐसा निकला जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, सिर्फ मास था, उसको उसने बोला न्यूट्रॉन। देखते हैं, बम्बार्डिंग अ थिन सीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल, करेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसका मास ना स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। देखो बेटा, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, न्यूट्रॉन पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वेयर इमिटेड एंड ही नेम द पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की थोड़ी सी मास प्रोटॉन से ज्यादा होती है। तो ये बेटा डिस्कवरी ऑफ आपका न्यूट्रॉन है। इसको बेटा